तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं नासिक में हूँ और नासिक महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर है और ये जाना जाता है अपने कुंभ मेले के लिए। हर 12 साल में एक बार यहाँ पर कुंभ मेला लगता है और यहाँ पर कई सारे मंदिर है पुराने बड़े बड़े। तो मैं नासिक में हूँ और आज हम नासिक में एक्सप्लोर करेंगे नासिक की मुख्य जगह, यहाँ के जो सारे मुख्य मंदिर है, यहाँ का जो घाट है जहाँ पर कुंभ मेला भरता है और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगह। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये नासिक का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है और इसे पंचवटी कहते हैं। यहाँ पर आपको बड़ा सा वड का पेड़ दिखेगा, काफ़ी चौड़ा और काफ़ी पुराना पेड़ है, इस पर एक नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह के यहाँ पर 5 पेड़ है, ये 2 नंबर का है, उसके बाद वहाँ पर 3 है, वो 4 है और उस तरफ पीछे में 5 है। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 वड के पेड़ है। क्योंकि यहाँ पर 5 वड के पेड़ है इसीलिए इस जगह को पंचवटी कहते हैं। तो ये पंचवटी है और यहाँ पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में काफ़ी समय बिताया था जब वो वनवास पर थे और यहाँ काफ़ी समय रहे थे पंचवटी में। तो ये पंचवटी है, मैंने आपको बताया 5 पेड़ है यहाँ पर, इसीलिए इसे पंचवटी कहते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगता है, वहाँ पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन इसके ठीक सामने यहाँ पर ये है सीता गुफा, ये सीता गुफा है और यहाँ पर सीता जी ने काफ़ी समय बिताया था, सीता जी इस गुफा में रहते थे। तो गुफा के अंदर चलते हैं। काफी नीची गुफा है, एकदम बैठ बैठ के चलना पड़ता है। तो ये सीता गुफा हमने देखी और सीता जी को यहाँ पर रखा गया था जब लक्ष्मण ने सुपर्णा की नाक काट दी थी, तो काफ़ी सारे राक्षस यहाँ पर हमला करने आते थे, तो राम जी ने सीता माता को इस गुफा में रखा था उनकी सेफ्टी के लिए। और ये 5 पेड़ निशानी के तौर पर यहाँ लगाए गए थे ताकि गुफा का पता रहे, क्योंकि उस समय में यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था। तो ये वो गुफा है जहाँ पर सीता माता को रखा गया था रावण से बचाने के लिए। अभी फिलहाल ये गुफा अंदर छोटी है, लेकिन कहते हैं कि ये गुफा अंदर काफ़ी फैली हुई है, ऐसा बताते हैं लगभग 15 किलोमीटर अंदर तक फैली हुई है। लेकिन फिलहाल आगे का जो रास्ता है वो अभी बंद किया हुआ है, गुफा को शॉर्ट किया हुआ है। सीता गुफा के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक भवन है जहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। सीता गुफा से 4 किलोमीटर दूर तपोवन है और यहाँ से अगर आप रिक्शा में जाते हो पैसेंजर में तो 30 रुपये जाने का और 30 रुपये आने का 60 रुपये लगता है, और पर्सनल रिक्शा करके जाते हो तो 250 से 300 रुपये में हो जाता है। और वहाँ पर ये सारी जगह है, ये जो लिखा हुआ है वो सारी जगह वहाँ पर है तपोवन में। सीता का हरण, लंबे हनुमान, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सारे मंदिर है, सुपर्णखा की नाक जो कटी थी वो जगह। तो अभी हम तपोवन जाएंगे, यहाँ से मैंने ऑटो किया है और सवारी में इसका 60 रुपये लगता है आने जाने का, 5 लोगों को बिठाते हैं। लेकिन मैंने प्राइवेट ऑटो किया है जिसका चार्ज 250 रुपये होता है, लेकिन मैंने 200 रुपये में बुक किया है। रावण की बहन का नाक काटने के बाद भगवान जब पंचपटी में आए, जहाँ 4 महीना रुके थे वो राम जी का कुटिया है। सबसे पहले देखेंगे जहाँ से भिक्षा दान देने गई थी माता जी, वो जगह राम जी की पर्ण कुटी। है लक्ष्मण झूला, यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मण झूला। ये जो आप पानी देख रहे हो, पहले ये लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी अग्नि रेखा वो थी, उसके बाद गलती से सीता माता का इस पे पैर लग गया था तो वो अग्नि पानी में परिवर्तित हो गई, ऐसा बताते हैं। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी गंदगी है, लेकिन इसका इतिहास ये था जो मैंने आपको बताया और इसको लक्ष्मण झूला कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ से कहते हैं कि रावण सीता जी को लंका उठाकर लेके गया था।
और ये सीता माता की मूर्ति है। सीता माता के हाथ देखो, वो रावण को भिक्षा देने के लिए आई थी तो उनके हाथ भी इसी तरह से दिखाए गए इस मूर्ति में। और इस तरफ में ये रावण की मूर्ति है। इसके पीछे नदी है, अग्नि रेखा थी, अब जल रेखा बनी है, उसको पार करके सीता जी यहाँ पे रावण को भिक्षा देने आई। बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग महाग शुद्ध अष्टमी के दिन रावण लंका ले गए। हर जगह पे राम लक्ष्मण सीता है, यहाँ पे अकेली जगत की रक्षा करने वाली माता खुद रावण को दोनों हाथों से भिक्षा दे रही है, यहाँ से उठा के लंका ले गए। इसके पीछे पंचवटी है, इससे आगे तपोवन है, दंडक वन, दंडक अन्य जंगल था, बस्ती बढ़ गई है। ये भूमि पवित्र भूमि का महत्व है। ये मूर्ति यहाँ पे दर्शन के लिए स्थापन की है, पीछे मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, इसलिए मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। बोलो सीता माता की जय। तो अभी फिलहाल ये छोटा मंदिर दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो पीछे की जगह दिख रही है पूरी, ये इसी मंदिर की है, लेकिन वहाँ पर अभी काम चल रहा है तो इधर आगे मंदिर को शिफ्ट किया गया है। तो ये सीता माता का मंदिर है, मैंने आपको बताया, इसके ठीक सामने यहाँ पर हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है और ये मूर्ति 5000 साल पुरानी है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री काट्या मारुति मंदिर और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ और हमारे साथ ये भाई साहब है ऑटो ड्राइवर। तपोवन घूमने के लिए आप जो भी ऑटो करोगे वो ऑटो वाले आपको गाइड करेंगे, सब कुछ अच्छे से बताएंगे। तो हमारे साथ ईश्वर जी है ऑटो ड्राइवर और इनको 40 साल का अनुभव है, तो ये हमें सब कुछ बताते चल रहे हैं। तो अभी यहाँ से ये पंचवटी ख़त्म हुआ और अभी हम तपोवन के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं लक्ष्मीनारायण मंदिर पे। जब यहाँ पर कुंभ मेला भरता है तो सारे साधु लोग तपोवन में यहीं रुकते हैं, इस मंदिर परिसर में, और इसके आसपास में काफ़ी सारी ज़मीन है, 500 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर सारे साधु लोग रुकते हैं। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, देखो आप। जय श्री राम। लक्ष्मी नारायण भगवान का बड़ा मंदिर है। अच्छा। यहाँ पे आए दिन 12 साल में कुंभ मेला लगता है। यहाँ हर प्रांत के साधु संत आते हैं और यहीं रुकते हैं और यहाँ भूमि पूजन होता है। भूमि पूजन होने के बाद रथ यात्रा यहाँ से निकलती है शाही स्नान के लिए। शाही स्नान रामकुंड में होता है। अच्छा। यहाँ भगवान श्री राम जी हरेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा जा करके सबको सांत्वना दिए कि हम आ गए हैं, आप लोग निर्भय हो जाइए, वे राक्षसों से काफ़ी परेशान थे। अनेक दुष्ट अत्याचारी राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों को शांति प्रदान किए और ये दंडक वन जो था श्रापित था, इसको प्रभु श्री राम जी श्राप से मुक्त किए। अच्छा। महाराज जी श्री राम स्नेहदास जी महाराज के द्वारा जो है यहाँ पे गौ सेवा की जाती है। यहाँ पे 100-150 गायें हैं और भारतवर्ष के हर एक कोने कोने से साधु संत आते हैं। यहाँ उनको रुकने की व्यवस्था है, संत निवास बना हुआ है। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। तो काफ़ी अच्छा और बड़ा मंदिर है ये लक्ष्मीनारायण मंदिर और लगभग 500 साल पुराना है ऐसा बताते हैं। हालांकि काफ़ी पुराना है लेकिन 500 साल का प्रमाण है। तो ये लक्ष्मीनारायण मंदिर था जो मैंने आपको बताया। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अभी हम आ गए हैं लक्ष्मण जी मंदिर पर। ये है लक्ष्मण जी मंदिर और यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर्णखा की नाक काटी हुई जगह। तो ये बड़ा सा गेट है मंदिर का और ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। भगवान गणेश की काफ़ी सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर झांकी बताई हुई है, इस तरह से लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। और ये वो पेड़ है जिसके नीचे लक्ष्मण जी तपस्या करते थे। लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार है ये, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। Thank you.
ये वो पेड़ है जिसके नीचे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। काफ़ी पुराना और घना पेड़ है। यहाँ से 50 मीटर आगे लक्ष्मण जी का मंदिर है जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पर श्री राम भगवान का वनवास स्थान है। ये श्री राम भगवान का वनवास स्थान है। श्री राम जी भगवान यहाँ पर रहते थे और लक्ष्मण जी ने उनके लिए यहाँ पर ये कुटिया बनाई थी उस समय में। अभी तो वो कुटिया नहीं है लेकिन जगह यही है ऐसा बताते हैं। तो ये जगह मैंने आपको बताई जहाँ पर कहते हैं कि श्री राम जी रहे थे कुटिया बनाकर, लक्ष्मण जी ने उनके लिए कुटिया बनाई थी, इसी जगह पर वो रहते थे। और बिल्कुल पास पास में है ये सारी जगह। यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, पीछे राम जी का जो कुटिया था वो मैंने आपको बताया, और यहाँ पर ये जो है वो गोदावरी कपिला का संगम है तपोवन में, ये पूरी जगह नीचे वाली। यहाँ से जो नदी आ रही है ये गोदावरी नदी है, और उस तरफ से जो नदी आ रही है वो कपिला नदी है, तो वहाँ पर संगम है। तो यहाँ पर ये तीन कुंड बने हुए हैं, इसे ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाता है। तीन कुंड है ये, और यहाँ पर आपको पानी दिखेगा इस कुंड में। अभी यहाँ पर पानी है लेकिन कहते हैं कि ये अग्नि कुंड था। कहते हैं कि जब सुपर्णखा की नाक कटी थी तब राम जी को पता चल गया था कि रावण उसे लेने के लिए आएगा, तो सीता माता का जो असली रूप था उसको उन्होंने यहाँ पर अग्नि में रख दिया था, और सीता माता का जो माया रूप था उसे वो पंचवटी लेके गए थे, और रावण ने जिसका अपहरण किया था, जिसको वो उठा के लेके गए थे, वो सीता माता का माया रूप था। और ये सामने आपको जो कुंड दिख रहा है वहाँ पर सीता माता के नहाने की जगह थी ऐसा बताते हैं। और बारिश पे पानी आने से मंदिर बंद रहेगा, इसलिए ऊपर का दर्शन दिखाया है। कपिल भगवान 12 साल तपस्या करके नदी लाए है, कपिला नदी है, गोदावरी नदी और कपिला का यहाँ संगम है दो नदी का। तो ये रियल जगह है जहाँ पर सुपर्णखा की नाक काटी गई थी। यहाँ पर ये मूर्ति है प्राचीन, देखो आप, जिसमें लक्ष्मण जी सुपर्णखा की नाक काट रहे हैं। ये कपिल मुनि की मूर्ति है जिनके नाम से कपिला नदी बहती है, और ये आप जो देख रहे हो ये कपिला नदी है, और आगे वहाँ पर संगम है। तो ये कपिल मुनि की मूर्ति है और सामने लक्ष्मण जी की मूर्ति है जो सुपर्णखा की नाक काट रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर सुपर्णखा की नाक काटी गई थी। तो ये गोदावरी नदी आ रही है, देखो आप, ये जो पानी है गोदावरी नदी का है, और इस तरफ में ये कपिला नदी है, इस तरफ में आगे यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो ये गोदावरी और कपिला नदी का संगम स्थल है। तो ये संगम स्थल मैंने आपको बताया, और ये सारे कुंड बताए, इसकी महत्वता बताई, और ये सारी जगह बिल्कुल पास पास में है। लक्ष्मण जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, और ये सीता माता का कुंड, और ये संगम स्थल। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो तपोवन से मैं आ गया हूँ फिर से पंचवटी। पंचवटी में सीता गुफा जो मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, वो यहीं पर है 50 मीटर आगे। और सीता गुफा के जस्ट पास में एक मंदिर है जिसे कालाराम मंदिर कहते हैं, और ये नासिक का पंचवटी का सबसे मुख्य मंदिर है। तो इस तरफ सामने आपको गेट दिखेगा, ये कालाराम मंदिर का द्वार है, मुख्य द्वार है ये, प्रवेश द्वार। यहाँ से हमें मंदिर में जाना है। तो ये कालाराम मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। पहले तपोवन में राक्षसों का राज हुआ करता था, काफ़ी सारे राक्षस यहाँ विचरण करते थे, और काफ़ी सारे संत महात्मा ऋषि मुनि भी यहाँ पर तपस्या करते थे। राक्षस लोग ऋषि मुनियों को बहुत सताते थे, परेशान करते थे, तो राक्षसों से बचाने के लिए प्रभु श्री राम जी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने ऋषि मुनियों को आश्वस्त किया था कि अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। और प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पर रहते हुए 14,000 राक्षसों का वध किया था।
और कालाराम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति है, उनके दाईं तरफ लक्ष्मण जी और बाईं तरफ सीता जी की मूर्ति है और सामने हनुमान जी की मूर्ति है। इस मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, वो गोदावरी नदी के अंदर से स्वयंभू मिली थी और कहते हैं कि ये मूर्तियाँ रेत की बनी हुई है, तो क्योंकि गोदावरी नदी की रेत काली है तो ये मूर्तियाँ भी काली है, तो यही कारण है कि इस मंदिर को काला राम कहते हैं क्योंकि ये सारी मूर्तियाँ काली है। नॉर्मली भगवान राम की कोई भी मूर्ति होती है तो उनके हाथ में धनुष होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान राम का दायां हाथ उनकी छाती पर है और बायां हाथ उनके पैरों की तरफ है। इस मूर्ति से यह संदेश मिलता है कि जो भी भगवान राम की शरण में आएगा, जो भी कालाराम मंदिर में आएगा, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और कहते हैं कि भगवान 2.5 वर्ष कालाराम मंदिर की इस जगह पर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर तप किया था, तो इसीलिए यहाँ पर यह मंदिर बनाया गया। मैं मंदिर से बाहर की तरफ आ गया हूँ। ये कालाराम मंदिर का प्रवेश द्वार है जो मैंने आपको बताया था, और अभी यह मंदिर काफ़ी बड़ा है, लेकिन पहले के ज़माने में यह मंदिर लकड़ी का हुआ करता था, छोटा सा मंदिर हुआ करता था। बाद में इसका जीर्णोद्वार किया गया और इसे इतना बड़ा बनाया गया। तो प्यास लग रही है तो थोड़ा सा नींबू पानी पियेंगे। तो कालाराम मंदिर मैंने आपको बताया अच्छे से और नींबू शरबत भी पी लिया। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हर जगह पे आपको इस तरह से ये द्राक्ष के स्टॉल मिलेंगे। नासिक की जो द्राक्ष है वो बहुत फेमस होती है, तो अगर आप नासिक आते हो तो यहाँ से द्राक्ष ज़रूर लेना, और मैं भी जाते समय लेके जाऊँगा। अभी मुझे थोड़ा घूमना है इसके लिए। बाकी यहाँ पर द्राक्ष की काफ़ी सारी वेरायटी मिल जाती है आपको, और एकदम फ्रेश द्राक्ष होती है ये। आपको रेट दिखेगा, देखो लिखा हुआ 80 रुपये से लगा के, और 240 रुपये तक की द्राक्ष है, 300 रुपये तक की है। तो कालाराम मंदिर से जब हम घाट की तरफ जाते हैं तो बीच में गोरेराम मंदिर आता है, तो अगर आपको समय मिले तो आप यहाँ पर दर्शन करके जा सकते हो। ये पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ है और ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर है ऐसा बताते हैं, लेकिन हम अभी अंदर नहीं जाएंगे, हम सीधा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इस रास्ते से आए हैं कालाराम मंदिर से होते हुए, और सामने यहाँ पर ये घाट है, पंचवटी का जो घाट है वो है, और इसके ठीक सामने यहाँ पर यह है कपालेश्वर देवस्थान, कपालेश्वर मंदिर है ये, और ये भी काफ़ी महत्व का मंदिर है। तो यहाँ पर चलते हैं अंदर, और इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। तो ये कपालेश्वर मंदिर है, उसका प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर ये खंडोबा की पुरानी मूर्ति है, पुरानी मूर्ति बहुत पुरानी है। तो ये कपालेश्वर मंदिर है, मंदिर के अंदर आ गया हूँ मैं। कपालेश्वर महादेव, इस मंदिर में नंदी नहीं है, क्यों नहीं है? शिवजी के हाथ से, शिवजी क्रोधी थे, क्रोध के वजह से उन्होंने ब्रह्मा का सिर कटाया था। सब जगह घूमे शंकर जी, लेकिन वो ब्रह्मात्य दूर नहीं हुआ। नीचे अरुणा वरुणा गोदावरी तीनों का संगम है, उस संगम में स्नान करने का मार्गदर्शन नंदी ने किया है, इसलिए यह नंदी को गुरु स्थान दिया है शिवजी ने। अच्छा, तो ये कपालेश्वर मंदिर है, सामने शिवलिंग है, और पंडित जी ने हमें इस मंदिर की कहानी बताई। शिवजी ने नंदी को यहाँ पर गुरु माना था, क्योंकि नंदी की वजह से वो अपने दोष से मुक्त हुए थे, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था उससे उनको मुक्ति मिली थी। तो ये इकलौता मंदिर है भारत में, पूरे विश्व में, जहाँ पर भगवान शिव के मंदिर में नंदी नहीं है। पुजारी जी ने जो नंदी वाली कहानी बताई, तो हमेशा मंदिर के शिवलिंग के सामने नंदी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नंदी नहीं है और अंदर भी नहीं है, इसी वजह से ये मंदिर अलग है। क्योंकि हर शिव मंदिर में नंदी होते हैं, लेकिन इस मंदिर में नंदी नहीं है, और क्यों नहीं है उसकी कहानी हमें पुजारी जी ने काफ़ी अच्छे से बताई। इस तरह से काफ़ी सारे और भी मंदिर बने हुए हैं। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो मैं कपालेश्वर मंदिर से बाहर आ गया हूँ, काफ़ी विशेष मंदिर है ये भी पंचवटी में,
और अभी हम मंदिर के सामने की तरफ जो घाट है जिसे पंचवटी घाट कहते हैं और जहाँ पर राम कुंड बना हुआ है वहाँ पर चलते हैं। तो ये पंचवटी घाट है, यहाँ पर सारे लोग श्राद्ध और कर्म करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं। और ये राम कुंड है, ये जो आप बड़ा सा कुंड देख रहे हो इसे राम कुंड कहते हैं। भगवान श्री राम यहाँ पर स्नान करते थे अपने समय में जब वो यहाँ पर रहते थे पंचवटी में, तो इसीलिए इस कुंड को राम कुंड कहा जाता है। तो यहाँ से गोदावरी नदी आ रही है और अरुणा नदी और वरुणा नदी जमीन के नीचे से आती है यहाँ, तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है अरुणा वरुणा और गोदावरी का, और इसे राम कुंड भी कहते हैं जो मैंने आपको बताया था। 12 साल में एक बार जो नासिक में कुंभ मेला लगता है, सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, उसका जो शाही स्नान होता है वो भी यहीं पर होता है इस राम कुंड में, क्योंकि ये अरुणा वरुणा और गोदावरी का संगम है, त्रिवेणी संगम है, तो इस जगह पर ही 12 साल में एक बार कुंभ मेला भरता है और शाही स्नान होता है। तो लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी और नाक को नासिका कहते हैं, इसीलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ा है। तो आज हमने नासिक दर्शन किए, विशेष करके ये पंचवटी और तपोवन जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक जगह है, तो काफ़ी अच्छा लगा सारे स्थल पर घूम के। सुबह मैंने 9 बजे शुरुआत की थी और अभी 2 बज चुके हैं, लगभग 5 घंटे लगे मुझे नासिक दर्शन करने में, पंचवटी और तपोवन घूमने में। तो अगर आप नासिक आते हो पंचवटी तपोवन घूमना चाहते हो तो आपको 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो